चैप्टर नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा मुश्किल आपको लगेगा, क्योंकि ये पहले दो चैप्टर हुआ करते थे पुरानी बुक में, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13। तो ये दो जो चैप्टर थे ना, उनको इन्होंने ज्वाइन कर दिए। जाहिर सी बात है, इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट नजर आएंगे वो थोड़े मुश्किल होंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि जितना इजी हो के समझाया जा सकता है समझाऊं, और जितना बुक में आपके लिखा हुआ है कोशिश करूं कि तकरीबन सब आप लोगों को बता दूं। कोई शायद स्किप होगी चीज, लेकिन कोशिश मेरी है कि इजी लैंग्वेज में आप लोगों को सही तरीके से समझा दो। चैप्टर का जो नाम है ना, अगर नाम में आप देखो लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पहला पोर्शन है। क्या आपने ग्राफ यहाँ पे पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। फिर दूसरा पोर्शन क्या है, एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आपने सॉल्यूशन भी मालूम करना। तो ये सब चैप्टर्स को ना, और पंजाब बोर्ड में अगर आप देखो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, उन तीनों को कंबाइन करके इन्होंने ये बनाया था। तो ये है तो 12 चैप्टर, लेकिन काफी इसमें कॉन्सेप्ट इन्होंने कंबाइन किए हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आप पढ़ोगे वो है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स पे हम बाद में आते हैं। तो जरा स्टार्ट करते हैं। सवाल है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये असल में टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहले देखो, ग्राफ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि, या ग्राफ से आप ये चीज मालूम कर सकते हो, लेकिन बेसिक बात है कि फंक्शन आपके पास अगर लिखा हुआ है तो अल्जेब्रिकली आप उसके डोमेन और रेंज मालूम करते हो। ग्राफ तो बाद की चीज होती है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ना, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको जरा हम डिस्कस करेंगे, बाकी की आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है कि डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए। ये बात मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 में भी बताई थी। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को बोला था चैप्टर 8 में इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 8 का कॉन्सेप्ट काम आएगा, और वो देखो अब यहाँ पे आपको काम आएगा। तो जो हम पढ़ने लगे वो डोमेन एंड रेंज पढ़ने लगे। मैं आप लोगों को थोड़ी सी रिविजन करवा दूँ। डोमेन जो है वो आपके इनपुट का सेट होता है, कि इस सेट के अंदर जो भी नंबर लिखे हुए ना वो सब आपके इनपुट होते हैं जो आप फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हो। और जो रेंज है, सिंपल लैंग्वेज में आप उसके समझ लो कि आउटपुट का सेट है। जो आपके पास आंसर आएंगे ना, वो उनको आप एक, जो आंसर आपके आएंगे उसको आप आउटपुट बोलोगे, उसको आप एक सेट की फॉर्म में लिखोगे। वो सेट क्या कहलाया जाएगा, वो सेट को आप रेंज बोलोगे। ये डोमेन और रेंज होते हैं। आपको यहाँ पे मालूम करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें साइन फंक्शन की, आपको मालूम करना है यहाँ पे साइन फंक्शन जो है इसकी डोमेन और रेंज। साइन फंक्शन को आप लिखोगे किस तरीके से, अल्जेब्रिकली लिखने का तरीका होता है वाई इज इक्वल टू साइन थीटा या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स भी आप लिख सकते हो। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है आप क्या पुट कर सकते हो। अब अगर आप साइन फंक्शन की बात करो, मैंने आप लोगों को एक यूनिट सर्किल का कॉन्सेप्ट दिया था, यही चीज बुक वालों ने भी लिखी है। अगर आप लोगों को याद हो तो यूनिट सर्किल के अंदर जो साइन है वो वाई को रिप्रेजेंट करता था। अगर आप लोगों को याद हो ये बात, जब मैंने आप लोगों को यूनिट सर्किल इंट्रोड्यूस करवाया था, यूनिट सर्किल ऐसा सर्किल था जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर था और रेडियस उसका 1 के बराबर था। तो वहां पे मैंने आप लोगों की बात बताई थी कि यूनिट सर्किल पे अगर आप कोई भी पॉइंट पिक करोगे, उसकी जो एक्स वैल्यू है वो आपको देगी कॉस की वैल्यू, और जो उसकी वाई वैल्यू है वो आपको देगी साइन की वैल्यू। तो कोई भी आपने पॉइंट पिक किया, एक स्पेसिफिक थीटा होगा, उस थीटा के ऊपर आपको कॉस और साइन की वैल्यू मिल जाएगी। जो एक्स है वो आपको कॉस की वैल्यू देगी और जो वाई है वो आपको साइन की वैल्यू देगी। तो यूनिट सर्किल के अंदर मैंने आपको बताया था वाई इज इक्वल टू साइन थीटा और एक्स जो है वो कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप यूनिट सर्किल की बात करो, हम जरा देखते हैं इनपुट। यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन के अंदर देखो ना, इनपुट थीटा है। थीटा मतलब जो आप एंगल पुट करोगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर में जब साइन का बटन दबाते हो तो कैलकुलेटर आपसे इनपुट मांगता है कि किस एंगल पे मैं आपको साइन की वैल्यू बताऊं, तो आप एंगल जो है वो इनपुट कर रहे होते हो। तो इनपुट आपका यहाँ पे क्या है, एंगल है। अब सवाल यह है कि डोमेन का मतलब होता है, अभी तक जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था, कि आप फंक्शन के अंदर क्या पुट कर सकते हो। देखो बच्चों, फंक्शन के अंदर सब रियल नंबर पुट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था डोमेन के टॉपिक के अंदर कि आपने एज्यूम यही करना है कि आप फंक्शन के अंदर सब रियल वैल्यूज पुट कर सकते हो, अनलेस उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। वो आपने रिस्ट्रिक्शन देखनी है कि कुछ वैल्यूज पे आपको रिस्ट्रिक्शन मिल रही है। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन मिल रही होगी तो आप उनको रियल नंबर में से निकाल दोगे और बाकी जो नंबर होंगे वो आपके डोमेन होगी। तो फिलहाल आप एज्यूम करो कि साइन के डोमेन सब रियल नंबर है, मतलब आप कोई भी एंगल यहाँ पे पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली यार हम यहाँ पे रेडियन में बात करते हैं क्योंकि जो रेडियन है वो डेसिमल सिस्टम है। जो डिग्री है ना वो डेसिमल सिस्टम नहीं है, वो एक अलग सिस्टम कहलाता है, इंग्लिश सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और जिसकी बेस 60 होती है। हम जो यूज करते हैं वो डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं।
तो अभी आप जब कैलकुलेशन देखोगे ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आप सिस्टम यूज कर रहे होंगे वो रेडियन का यूज ही कर रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि रेडियन जो है वो डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है ना वो आपका कोई भी रियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल थीटा जो है, अब देखो एक बेसिक बात समझो कि अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल जो है वो 1 है, अब इसने इसको आपने 1 डिग्री नहीं मानना। मैंने पहले भी बात क्लियर की थी कि अगर 1 इस तरीके से लिखा हो तो अब आप कहोगे कि 1 डिग्री है, लेकिन आपको जैसे बोला जाए कि एंगल 1 है इसका मतलब रेडियन में बात की जा रही है, बाय डिफॉल्ट आप उसको रेडियन में ही लोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंगल 1 भी हो सकता है, एंगल यहाँ पे 2 भी हो सकता है, एंगल 3 हो सकता है, अगर आप पाई के अंदर बात करो तो एंगल पाई भी हो सकता है, एंगल 2 पाई भी हो सकता है। पाई किसके बराबर होगा? ऑलमोस्ट 3.14 के बराबर, ये ऑलमोस्ट 6.28 के बराबर। तो कहने का मतलब आप साइन फंक्शन के अंदर कैलकुलेटर निकालो, अपने कैलकुलेटर को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करो और आप दुनिया जहां की जो वैल्यू पुट करना चाह रहे हो पुट कर दो। अगर आप डिग्री में समझना चाह रहे हो तो डिग्री में भी समझ सकते हो कि आप थीटा की जगह कुछ भी एंगल पुट कर दो डिग्री के अंदर, आप 30 पुट करो, आप 40 पुट करो, कुछ भी आप पुट कर दो, साइन फंक्शन को कोई इशू नहीं होगा। इशू पता है कब होता है? दो सिचुएशन में इशू होता है जो मैंने आप लोगों को चैप्टर 8 में भी बताया था। एक तो होता है कि डिनोमिनेटर, फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स अपॉन वाई, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता। सबसे पहले रेजिस्टेंस जो आती है ना, क्या डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो साइन के अंदर तो डिनोमिनेटर ही नहीं है कोई, तो इसका मतलब वो कोई मसला ही नहीं है। आप साइन के अंदर कुछ भी पुट कर सकते हो, मामला आपका आसान है। दैट्स व्हाई हम ये बोलते हैं कि जो साइन की डोमेन है वो सब क्या है? रियल नंबर है। आप कुछ भी रियल पुट कर दो साइन के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन फंक्शन की डोमेन सब रियल नंबर होती है। रही बात रेंज की, रेंज होता है जो आपको आउटपुट मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने कैलकुलेटर में परफॉर्म कर लेना, आप दुनिया जहां का कोई भी एंगल पुट करो साइन के अंदर, आपको 1 से बड़ा आंसर नहीं मिल सकता। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके भी। क्या कॉन्सेप्ट? कि आप साइन के अंदर कुछ भी पुट कर दो, आपको साइन के अंदर आंसर जो मिलेगा, कैलकुलेटर जो आपको आंसर देगा वो 1 से बड़ा कभी नहीं देगा। कभी आप ये ऑब्जर्व नहीं करोगे कि कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 1.5, नहीं, आप थीटा कुछ भी पुट कर दो कैलकुलेटर आंसर आपको 1 से ग्रेटर दे ही नहीं सकता। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर में अपनी तरफ से पुट करते हुए देख लो, पॉजिटिव एंगल पुट कर लो, नेगेटिव पुट कर लो, जीरो पुट कर लो, आंसर आपको हमेशा 1 से छोटा ही मिलेगा, या 1 मिलेगा या 1 से छोटा मिलेगा, 1 से बड़ा आपको नहीं मिल सकता। इसी तरीके से आप कैलकुलेटर में कुछ भी पुट कर दो, 1 तो मैंने बताया अपर रेंज क्या है, 1, या तो 1 मिलेगा आपको या 1 से छोटा मिलेगा। अब 1 से छोटा कितना? 1 से छोटा फॉर एग्जाम्पल 0.5, 0, -0.5, -1, -1 से मजीद छोटा आपको नहीं मिल सकता। तो अगर आप ऑब्जर्व करो साइन के केस में आपको -1 और 1, इसको मैंने आप लोगों को चैप्टर 8 में एक इंटरवल नोटेशन बताई थी कि अगर आपने इंटरवल को लिखना है ना -1 से लेके 1, उसको ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती थी कि वो वैल्यू शामिल है। तो -1 भी आपको मिल सकता है साइन के केस में, आपको 1 भी मिल सकता है, -1 और 1 के दरमियान भी सब वैल्यूज मिल सकती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर 1 से ग्रेटर मिल जाए या आपको आंसर -1 से छोटा मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल -2, ये कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये ऐसा क्यों नहीं होता, इसकी रीजन मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि 1 से बड़ा नहीं मिल रहा, -1 से छोटा नहीं हो रहा, उसकी रीजन है यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल में अगर आपको याद हो मैक्सिमम जो वैल्यू होती थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू 1 होती थी, कोई अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है, मैं भी वाई वैल्यू की बात कर रहा हूँ, असूल याद रखना वाई वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पे 0 होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट पे वाई वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे वाई वैल्यू 0 होगी, इसी तरह इस पॉइंट पे भी वाई वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई वैल्यू हमेशा 0 होती है। दैट्स व्हाई एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा 0 होता था, क्योंकि साइन वाई वैल्यू होती है। और इसी तरह यहाँ पे क्या वाई वैल्यू मिलती थी आपको? -1 मिलती थी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो जो आपका साइन है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है इसकी हाइट कितनी है? ये इसकी हाइट है, वाई का मतलब ये पूरा डिस्टेंस था, ये पूरा डिस्टेंस। तो अगर आप देखो ये डिस्टेंस आपको 1 से छोटा होगा थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल 0.8 होगा, तो आपको मिनिमम 0 मिलेगा, नहीं मिनिमम नहीं, या तो आपको 0 मिलेगा या 0 से बड़ा होते 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 आपको 1 मिलेगा, फिर 1 से छोटा मिलेगा, करते 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 दोबारा आपको 0 मिलेगा, फिर आपको 0 से नेगेटिव पे आओगे, नीचे आ रहे हो ना -1 पे आ रहे हो, तो आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल -0.2, -0.5, करते करते -1, फिर -1 से 0 पे चला जाएगा। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो आपकी कहानी 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती, कभी आपको आंसर 1 से ग्रेटर नहीं मिल सकता, या तो आपको 1 मिलेगा या मिनिमम -1 मिलेगा। आपकी जो वाई वैल्यू है वो 1 -1 इसके दरमियान ही फ्लक्चुएट करती जाएगी, क्योंकि जो साइन होता है ये हाइट होती है। तो आप यूनिट सर्किल पे कोई भी पॉइंट पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल
आपने यहाँ पे एक पॉइंट पिक किया, यहाँ पे पिक किया, यहाँ पे, इधर इधर, इन सब जगह पे आपने पिक किया। तो फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे हाइट क्या है, इस पॉइंट पे ये हाइट है, इस पॉइंट पे हाइट क्या है, ये है, इस पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, अच्छा इस पॉइंट पे दोबारा हाइट आपकी कम होगी, फिर हाइट कम होगी, इस पॉइंट पे ये हाइट होगी, इस पे ये होगी, करते करते ये होगी। आप ऑब्जर्व करो सबसे बड़ी हाइट आपको कहां पे मिल रही है यहाँ पे, और ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर। और सबसे छोटी, मतलब ये दिखने में तो बड़ी है लेकिन छोटी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो नेगेटिव इसके साथ आएगा। वैसे तो जितनी ये हाइट है उतनी ये है मैग्नीट्यूड के अंदर, लेकिन वो नीचे, दैट्स व्हाई उसके साथ माइनस वन आता है। तो सबसे नेगेटिव हाइट कौन सी, ये वाली माइनस वन, बाकी सब आप देखो इससे छोटी है। ये वजह है कि आपको साइन के अंदर वन से ग्रेटर कभी नहीं मिलेगा, माइनस वन से छोटा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्यों पूछे कि यार रेंज क्या है साइन फंक्शन की, तो रेंज होगी माइनस वन से लेके वन। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इसकी डिफरेंट नोटेशन है, डिफरेंट अंदाज में आप लिख सकते हो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये जो वाई है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को यहाँ पे, तो जो वाई है ना, सच दैट वाई जो है वो माइनस वन और वन के दरमियान होगा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और आगे आप लिख दो वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहने का मतलब वन और माइनस वन के दरमियान कोई भी रियल नंबर आपको मिल सकता है, वन से ग्रेटर नहीं मिल सकता, माइनस वन से छोटा आपको कुछ मिल नहीं सकता। इस चीज को आप इस अंदाज में भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से इसकी रेंज यहाँ पे लिखी जा सकती है। मुझे बताओ यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं, कोई कंफ्यूजन? चलो यस सर, बाकियों ने बोला नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ उनको समझ आ रही है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा प्यारे अंदाज में पूरा टेबल शेबल टाइप का बनाऊं मैं, टेबल नहीं मतलब एटलीस्ट वैल्यूज अच्छी सी हो सारी, तो हम जो एक्स्ट्रा काम है उसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा तो साइन का तो आपने पूरा सीख लिया, ठीक है, अब साइन का ग्राफ किस तरीके से होता है, ग्राफ बनाने का बड़ा आसान तरीका होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, जैसे चैप्टर नंबर 8 में फिलहाल ये बात की मैंने आपको बताई हो कि अगर आपने किसी भी चीज का ग्राफ बनाना है ना, आप क्या करो वैल्यूज पिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ग्राफ के सेंस में आप इसको साइन एक्स बोल दो, क्योंकि हमें वाई और एक्स में थोड़ा कंफर्टेबल हम होते हैं। तो एक्स अगेन वही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, साइन के अंदर आप जो भी चीज पुट करोगे वो एंगल ही होगा। तो यहाँ पे जो एक्स होगा ना, आप क्या करोगे, कोई तीन चार एंगल आप कंसिडर कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर आपने ग्राफ बनाना है, तो मैं बता रहा हूँ हम इसको कहते हैं टी टेबल बनाना। टी टेबल का मतलब आप एक्स की कुछ वैल्यूज पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू आप वन ले लो, एक्स की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू थ्री, इसी तरह कुछ नेगेटिव ले लो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और फॉर एग्जाम्पल एक आपने जीरो ले लिया, क्योंकि एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यूज ले लो उसकी, और उन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करते जाओ और वाई के आंसर निकालते जाओ। आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन पुट की, देखो वाई का आंसर क्या आ रहा है, फिर आप टू पुट करो, देखो वाई का आंसर क्या आ रहा है। इस तरीके से आपने क्या करना है, वाई के सारे आंसर निकालने, तो ये आपके पास पॉइंट आते जाएंगे। कंसिडर करो जब आप यहाँ पे वन पुट कर रहे हो, तो वाई का आंसर फॉर एग्जाम्पल 0.5 आ रहा है, ऐसा आएगा नहीं, कंसिडर कर लो कि आपने वन पुट किया, आंसर आपको 0.5 मिल रहा है, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया 1.05। इसको आप ग्राफ पे जाकर ड्रॉ कर दोगे। इसी तरह जब आप टू पुट कर रहे हो, देख लो वाई वैल्यू क्या आ रही है, एक और पॉइंट आएगा, इसको ग्राफ पे आप पुट कर दोगे। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। अभी आगे जाके शायद टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में कि ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करना, तब मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। दो तरीके से होंगे, या तो आप डिग्रीज में एंगल रख के पुट करोगे, ये मैंने अभी रेडियन में कंसिडर किया है, और रेडियन में भी मैंने बहुत फालतू तरीके से किए हैं। रेडियन में भी जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो एक्स की वैल्यूज लोगे पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री, पाई बाय टू, इस तरह ले रहे होंगे, क्योंकि उसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। ये वन टू थ्री में हम कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके बात सिखाइए, बाद में हम पूरा ग्राफ बनाना भी सीख लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बस ग्राफ बता रहा हूँ कि होता कैसे है, बाद में इंशाल्लाह हम सीख लेंगे बनाना किस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर। और ये सवाल पहले भी आता था, आप लोगों के भी शायद एग्जाम में आएगा, कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा, एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा इसको ड्रॉ करो। मैं रिकमेंड करूंगा ये सवाल अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने में टाइम काफी लगता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगा आप लोगों को। सही है, तो ग्राफ होता है कैसे साइन का, वो जरा देख लो, ताकि जहन में आपके आ जाए कि साइन कैसा होता है ग्राफ के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है साइन का यार, इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन इतनी है, इतनी जगहों पे आप ये साइन का ग्राफ देखोगे। तो एक ही दवा सीख लो कि ओरिजन है, इस तरीके से आपके पास साइन का ग्राफ होता है, और ये पैटर्न चलता जाता है। तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है, इसी तरह नेगेटिव में पैटर्न आएगा। इसलिए चलाते रहो इसको, आपकी मर्जी। तो ये होता है साइन का ग्राफ। यहाँ पे अगर आप देखो जो मैक्सिमम इसकी पीक है ना,
तो मैक्सिमम वो वाई वन है, कि आपको मैक्सिमम जो वैल्यू मिलती है वन मिलती है, जो मैंने यहाँ पे सिखाया है। और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, हर जगह सेम ही होगी, जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, तो मैक्सिमम आपको जो पीक नजर आ रही है वो हमेशा वन के ऊपर होगी, और मिनिमम जो है वो माइनस वन के ऊपर होगी। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये आपका ग्राफ वन और माइनस वन के दरमियान ही है। आप कभी ये देखोगे नहीं कि आपका ग्राफ की जो पीक है वन से ऊपर चली गई है, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमेशा वन और माइनस वन के दरमियान ही आपका साइन का ग्राफ रहेगा। तो इस किस्म का साइन का ग्राफ होता है, बाद में इंशाल्लाह ड्रॉ करना भी सीख लेंगे हम। अच्छा, तो साइन की मैंने तकरीबन आप लोगों को बातें डिस्कस कर ली है, अब आ जाओ कॉस के ऊपर। तो बात करते हैं कोसाइन फंक्शन की। अच्छा जी, देखो जो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन है ना, इनमें डोमेन बड़ी इजी होती है, इनके डोमेन रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मसला उस वक्त आता है ना जब कोई डिनोमिनेटर आए या स्क्वायर रूट आए, या उसके अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इनके ऊपर स्क्वायर रूट है, ना इनका कोई डिनोमिनेटर है, तो इनके डोमेन में कोई मसला नहीं है। आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर दो, इनशाला आपको जरूर आंसर मिलेगा, कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर। तो दैट्स व्हाई कॉस के अंदर भी आपके पास कैलकुलेटर है, आप नेगेटिव एंगल पुट कर दो, आप पॉजिटिव पुट कर दो, आप जीरो पुट कर दो, कोई कैद नहीं है। आप अपनी तरफ से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल पुट कर सकते हो। तो कॉस के अंदर भी डोमेन, अगर आप इस थीटा में जाओ ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको रोटेट करो, कंसिडर कर लो यहाँ पे 45 है। अगर आप साइन सर्किल बना, ये यूनिट सर्किल बनाते हो, यूनिट सर्किल में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कॉस और साइन को ना, उसकी एक्स वैल्यू कॉस होती है, वाई वैल्यू साइन होती है। तो कोई भी थीटा हो सकता है डोमेन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है, कंसीडर कर लो यहाँ पे थीटा 135 डिग्री है, कंसीडर कर लो कोई पॉइंट आपने यहाँ पे पिक किया, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, इसका कंसीडर कर लो, ये पूरा एंगल बन रहा है 225 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट को रोटेट करते जाओ 360 डिग्री हो जाएगा, फिर दोबारा रोटेट करते 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 यहाँ पे 720 डिग्री हो जाएगा। तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू लेते रहो, आपको पॉइंट यूनिट सर्किल पे मिलता जाएगा और कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, आप थीटा जितना रोटेट करना कर लो, जितनी दफा रोटेट करना करो, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिल रही होगी, साइन के केस में भी कॉस में भी, क्योंकि कॉस होता है एक्स, साइन होता है वाई। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स वैल्यू मिलेगी, कुछ ना कुछ वाई वैल्यू मिलेगी, आप रोटेट करते जाओ थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा कुछ भी कर दो कोई इशू नहीं है, साइन कॉस में कोई इशू नहीं है, आप सब थीटा यहाँ पे पुट करोगे, कुछ ना कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। तो दैट्स वाई जो कॉस है, इसकी भी डोमेन क्या है, रियल नंबर। अब आते हैं अगेन वही रेंज के ऊपर। रेंज क्या होती है, अगेन यूनिट सर्किल का सहारा लो। यूनिट सर्किल में कॉस क्या होता था, एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू वाई एक्सिस पे जीरो होती है, एक्स वैल्यू वाई एक्सिस पे, यहां पे भी जीरो होगी, यहां पे भी जीरो होगी, वाई एक्सिस पे एक्स वैल्यू हमेशा जीरो होती है। और एक्स एक्सिस पे क्या होगी, यहां पे वैल्यू बच्चों वन हुआ करती थी, यहां पे वैल्यू माइनस वन हुआ करती थी। कहने का मतलब, अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो, मैं इस यूनिट सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट पिक कर लेता हूँ, एहतियातन मैं आपको कुछ पॉइंट पिक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे, इधर इधर इधर, और पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या होगी, एक्स वैल्यू होती है ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस। अच्छा, इस पॉइंट की एक्स वैल्यू ये छोटा सा डिस्टेंस, इस पॉइंट की एक्स वैल्यू ये पूरा डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो होता है ना, ये पूरा, ये बेसिकली एक्स वैल्यू होती है। और वाई वैल्यू क्या होती है, हाइट, ये पूरी हाइट जो होती है इसको आप वाई वैल्यू कहते हैं। तो एक्स वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की ये वाली, इस पॉइंट की ये वाली, इस पॉइंट की ये वाली। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, और फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट यहाँ पे, तो सबसे बड़ी उसकी एक्स वैल्यू होगी ओरिजिन से लेके ये पूरी। इसी तरह कोई पॉइंट यहाँ पे है तो पूरी एक्स वैल्यू ये होगी। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सबसे बड़ी एक्स वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, ये सबसे बड़ी है, बाकी सब छोटी छोटी है ना। तो सबसे बड़ी कितनी होती है, वन के बराबर। इसका मतलब मैक्सिमम जो आपको आंसर मिलेगा कॉस के अंदर वो भी वन मिलेगा। इसी तरीके से ये जो है ये सबसे छोटी है, देखने में तो लेंथ इसकी बड़ी है, लेकिन साइन आप कंसिडर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको मिलता है माइनस वन मिलता है। तो माइनस वन से छोटी और नहीं हो सकती। आपने कोई देखी है लाइन जो इससे बड़ी हो, इससे बड़ी कोई भी लाइन नहीं है, इससे छोटी है सारी की सारी। इसका मतलब मैक्सिमम आपको कॉस के अंदर, सॉरी मिनिमम भी कॉस के अंदर क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। मैक्सिमम वन, मिनिमम माइनस वन मिलेगा, और बाकी आपको दरमियान की वैल्यूज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये हाइट आप, ये कितनी होगी, अगर ये वन है तो ये फॉर एग्जाम्पल 0.7, इसी तरीके से ये फॉर एग्जाम्पल 0.8 हो जाएगी, ये फॉर एग्जाम्पल 0.2 हो जाएगी। और अगर आप नेगेटिव पे जा रहे हो, एक्स वाई एक्सिस के इस तरफ नेगेटिव होता है ना, तो ये फॉर एग्जाम्पल -0.2, -0.7, ये पूरी माइनस वन है। कहने का मतलब ये है कि वन और माइनस वन के दरमियान आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी, यूनिट सर्किल से हमने बात प्रूव कर ली है।
मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाया कि वन और माइनस वन याद कर लो, मैंने रीजन बताई है आपको कि कॉस के अंदर वन और माइनस वन के दरमियान वैल्यूज क्यों आती है। इसी तरह साइन का भी मैंने आपको बताया था। तो जो आपने रेंज यहाँ पे पढ़ी थी सेम रेंज यहाँ पे भी होगी, लेकिन एक अगेन वही दो तीन तरीके हैं, आपकी मर्जी जिस तरीके से भी आप याद रख लो। आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में भी ये वाली चीज आ जाए, आपने अगर ये याद किया हुआ है तो एमसीक्यूज में फंस जाओगे। तो डिफरेंट नोटेशन आपको पता होनी चाहिए कि एक चीज को कितने अंदाज में लिखा जा सकता है। तो ये बच्चों डोमेन और रेंज आपने मालूम कर ली कॉस फंक्शन। अब कॉस फंक्शन का ग्राफ देख लो, बाद में देख लेंगे ड्रॉ किस तरह करना है, अभी देख लो होता कैसे है। जैसे साइन का था ना वैसे ही है, बस स्टार्ट अलग होता है। स्टार्ट का मतलब अगर आप देखो तो ये जो साइन था ना यहाँ से स्टार्ट हुआ करता था, ओरिजिन से इस तरीके से आप बनाते थे, ये जो है ये ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ। मैं पूरा नहीं बना रहा वरना ये आगे पूरा पैटर्न चलता जाएगा इस तरीके से। इसी तरह यहाँ पे बना देता हूँ, इसी तरीके से पूरा चलता जाएगा, ये पूरी वेव्स बनती जाएंगी। अब मेरे पास इतनी जगह तो नहीं पूरी वेव्स बनाते जाऊँ। अगेन आप ऑब्जर्व करो, मैक्सिमम जो आपको आंसर मिल रहा है वन मिल रहा है, और जो मिनिमम आपको आंसर मिल रहा है ये सेम ही इनकी होगी। मिनिमम आंसर जो मिल रहा है आपको माइनस वन मिल रहा है। अगेन वही जो आपको साइन में देखा था, वन से ऊपर नहीं जाएगा ये। अगर आप देखो ये जो नेक्स्ट पीक है ना ये भी इसी हाइट की होगी, सेम हाइट होगी इनकी, इसी तरह इसकी भी सेम हाइट होगी। तो आपको वन से बड़ा कभी भी नहीं मिलेगा और माइनस वन से छोटा आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉस का ग्राफ भी मैंने आप लोगों को बता दिया और डोमेन रेंज भी आपको सिखा दी। अब आखिरी रह गया टेंजेंट, उसकी सीख लो, बाकी तीन की तो आसानी से आप सीख लो। अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, टेंजेंट में क्या होता है, टेंजेंट फंक्शन। अब जरा टेंजेंट में मसले होना स्टार्ट होंगे। अब जरा मसला आपको कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर है तो मसला आसानी से आप देख सकते हो टेंजेंट होता क्या है। जल्दी से मुझे बच्चों बताओ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है। साइन अपन कास साइन अपॉन कॉस होता है। सबसे पहले तो टेंजेंट फंक्शन को लिखते हैं, टेंजेंट फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होगा, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा या वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और फिर टेंजेंट को आप क्या बोलोगे, साइन अपॉन कॉस। ये मसला स्टार्ट हो गया। मसला क्या भाई, अभी तक साइन और कॉस में कोई फ्रैक्शन नहीं थी, टेंजेंट में आपके पास फ्रैक्शन आ गई है। और जब भी आपके पास फ्रैक्शन आती है तो बस आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगी, और अनडिफाइन अगेन वही चीज होती है जिसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। तो डिनोमिनेटर आपने जीरो नहीं करना। तो कहने का मतलब ऐसा थीटा मत पुट करना जिससे डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाए, ये रिस्ट्रिक्शन है इस सवाल के अंदर। बाकी सवाल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी क्योंकि फ्रैक्शन नहीं थी, इसके अंदर फ्रैक्शन आ गई इसका मतलब अब आप थीटा ऐसा नहीं पुट कर सकते जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, कॉस, मतलब कॉस को जीरो नहीं करना आपने। तो आप असल में चाह क्या रहे हो कि कॉस थीटा जो है वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर कॉस जीरो हो गया तो टेंजेंट का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और फिर मसला हो जाएगा। तो डोमेन यहाँ पे क्या होगी, डोमेन यहाँ पे सब रियल नंबर होगी। अब डोमेन लिखते हैं हम, डोमेन यहाँ पे होगी सब रियल नंबर माइनस कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज यहाँ पे हटानी पड़ेंगी। कौन सी वैल्यूज, जो कॉस को क्या कर रही होंगी, जीरो कर रही होंगी। वो वैल्यूज जो कॉस को जीरो कर रही होंगी उसको आपको निकालना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग बचेंगी वो यहाँ पे डोमेन होंगी। तो असल आपका टारगेट ये है मालूम करना ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो कॉस को जीरो करती है। उसके मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है, जरा ग्राफ देखते हैं आपको समझ आएगी। कैसी वैल्यूज जो कॉस को जीरो करती है, मैंने आप लोगों को यूनिट सर्किल में बात बताई थी कि कॉस क्या होता है, एक्स वैल्यू होती है, और एक्स वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि वो वाई एक्सिस पे जीरो होती है। यहां पे भी एक्स वैल्यू जीरो होगी, यहां पे भी एक्स वैल्यू जीरो होगी। वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स वैल्यू जीरो होती है, दैट्स वाई जब भी कोई एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आता है तो कॉस जीरो होता है। जब भी कोई एंगल वाई एक्सिस पे होता है तो कॉस जीरो होता है, क्यों, क्योंकि कॉस होता है एक्स वैल्यू और एक्स वैल्यू वाई एक्सिस पे जीरो होती है। तो कौन से ऐसे एंगल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल डिग्री में बात करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, 90 डिग्री, जो 90 डिग्री है वो एंगल कहाँ पे आता है, वाई एक्सिस के ऊपर आता है। इसी तरीके से 270 डिग्री, ये जो 270 डिग्री एंगल आपको नजर आ रहा है ये भी वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इस तरह आप रोटेट करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरी वन रेवोल्यूशन करने के बाद दोबारा इधर आता हूँ तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 450 डिग्री हो जाएगा, 360 प्लस 90, 450 डिग्री। तो 450 डिग्री है, उसकी जो एंगल है वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा।
जो भी एंगल आपके वाई एक्सिस के ऊपर आएंगे वो कॉस को जीरो करेंगे, और अगर कॉस जीरो हो गया तो टेंजेंट मसला कर देंगे। तो दैट्स वाई जो एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे, जो एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे क्योंकि वो कॉस को जीरो कर रहे हैं। अब ऐसे तो कितने ज्यादा एंगल आप लिख सकते हो, कोई लिमिट तो नहीं है, आप रोटेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंगल आते जाएंगे। और इसी तरह आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, नेगेटिव एंगल स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से आऊं, ये वाला क्या है, ये -90 डिग्री है, अगर मैं इस तरह आऊंगा ये हो जाएगा -270 डिग्री। तो कहने का मतलब पॉजिटिव एंगल भी बहुत ज्यादा है और अगर आप क्लॉक में जाओगे तो नेगेटिव एंगल भी बहुत ज्यादा है। तो इनके लिखने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए जो इन सबको एक छोटी सी फॉर्म में आप लिख दो। वो छोटी सी फॉर्म क्या होती है, N π/2। अब अगेन मैंने कहा था रेडियन में हम बात करेंगे, समझाने के लिए मैं आपको डिग्री में कह देता हूँ वरना बात रेडियन में ही होगी। ये जो 90 डिग्री होता है ना इसको आप π/2 लिखते हो। ये जो N π/2 है ना ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो N है ना जरा ऑब्जर्व करना गौर से सुनना, ये जो N है ये ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर क्या होगा, ऑड नंबर क्या होते थे भाई, ऑड नंबर होते थे 1, 3, 5, 7। ऑड इंटीजर क्या होता है कि नेगेटिव भी शामिल कर लो, -1, -3, क्योंकि बचपन में जब आपने ऑड नंबर पढ़े थे ना तो आपने पॉजिटिव ही पढ़े थे, 1, 3, 5, 7, 9 पूरा, तो नेगेटिव भी अब इसमें शामिल कर दो, -1, -3, -5। तो ये एन की वैल्यूज यहाँ पे होगी। तो ऐसे क्यों होगा, मतलब ये N π/2 क्या चीज है, क्यों मैंने यहाँ पे डाली है, जरा गौर से समझो इसको। कंसिडर कर लो N π/2 है, मैं कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ। मैं एन की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करता हूँ, जब आप एन यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, π/2। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एन की जगह, ऑड पुट करना है, सॉरी ऑड पुट करना है, तो अब एन की जगह नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 3। आप यहाँ पे एन की जगह 3 पुट करो ये हो जाएगा 3π/2। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, एन की जगह मैं 5 पुट करता हूँ, जब 5 पुट करो ये हो जाएगा 5π/2। अच्छा एहतियातन मैं कुछ नेगेटिव भी पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एन की जगह मैं -1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -π/2। इसी तरह नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, एन की जगह -3, -3 पुट करो -3π/2। ये वो एंगल की लिस्ट मैंने आपको बता दी है जो ये N π/2 आपको सारे एंगल्स दे रहे हैं। अब जरा एंगल्स को ऑब्जर्व करो, π/2 क्या होता है, 90 डिग्री, 3π/2 क्या होता है, 270 डिग्री, 5π/2 क्या होता है, 450 डिग्री। अगर आप देखो ये वो सारे एंगल्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे सब एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं। इसको सिंपल के लैंग्वेज में हम कहेंगे 90 के ऑड मल्टीपल, और 90 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 90 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 90 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये सब एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं। देख लेना डायग्राम बना के मैंने दिखाई थी, तो ये वही सारे ऑड मल्टीपल है, 90, 270, 450। इसी तरह आप नेगेटिव में जाओ, -π/2 होगा -90, -3π/2 होगा -270 डिग्री। तो जब भी आप π/2 को मतलब 90 डिग्री को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एंगल्स आ रहे होंगे ना वो सब वाई एक्सिस के ऊपर आएंगे। इसको जरा खुद सोचना, बाद में लिस्ट बना के देखना, सारे एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आएंगे। तो हमारा मसला क्या था, हम एंगल मालूम करना चाह रहे थे जो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो हमने एक इजी फॉर्मूला मालूम कर लिया। ये सब आपको एंगल्स देंगे जो वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे पता चल गया ये वो सारे एंगल्स हैं जो वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं, मैंने क्या करना है, मैंने इनको रियल नंबर में से निकाल देना है, क्योंकि ये सब एंगल्स कॉस को जीरो कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कॉस जीरो हो। तो मैंने क्या किया, इन सब एंगल्स को रियल नंबर में से निकाल दिया। शर्त देख लो, एन यहाँ पे ऑड इंटीजर है, यहाँ पे एन की जगह 2 मत पुट कर देना, 2 इवन होता है, 4 नहीं पुट कर देना। ऑड इंटीजर पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आपको ये सारे एंगल देगा, अगर इवन पुट करोगे तो फिर फॉर्मूला फेल हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने आगे लिख दिया एन बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, यहाँ पे मतलब होगा इसका, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी डोमेन है टेंजेंट की। कोई सवाल यहाँ तक, या कोई बात ना समझ आई भी हो? अच्छा जिसको समझ आ गई यार जरा हाँ करके बता दो, कुछ आइडिया हो कि फॉलो कर रहे हैं तो। यस सर, जी ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा बुक वालों ने क्या लिखा है, एक सेकंड में देखना, तो इसको डिफरेंट अंदाज में भी कह सकते हैं ना। बुक वालों ने कहाँ लिखा है, टेबल के अंदर होगा ना, हाँ ये लिखा हुआ है उन्होंने, उन्होंने लिखा हुआ है N π/2 और ये वर्टिकल लाइन लगाई है जिसका मतलब होता है सच दैट, ये पेज नंबर 338 पे, एन इज एन ऑड इंटीजर, मतलब उन्होंने लिख के पूरा बता दिया एन इज ऑड इंटीजर। तो यही चीज बुक वालों ने भी लिखी हुई, तो आपको नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, यही नोटेशन बुक वालों की भी है। तो डोमेन तो हमने मालूम कर ली, अब रही बात किसकी, रेंज की, तो जरा रेंज पे भी आ जाओ। देखो बच्चों टेंजेंट की रेंज कुछ भी मिल सकती है आपको,
कोई कैद नहीं है यहाँ पे कि वन से छोटी मिलेगी, माइनस वन से छोटी या बड़ी मिलेगी, जो भी है यहाँ पे आपको हर वैल्यू मिल सकती है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिट सर्कल पे पॉइंट पिक करते हो, ये जो आपका जो फ्रैक्शन लिखी हुई है ना, ये फ्रैक्शन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा आप लोग से छोटा सा सवाल है, अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्रैक्शन बड़ी से बड़ी हो, मतलब ये फ्रैक्शन आपको बड़ा आंसर दे, तो क्या करोगे आप? मतलब इस फ्रैक्शन को अगर आपने बड़ा करना है, कैसे बड़ी होगी है? कास की वैल्यू सबसे बुक करेंगे। हाँ सही बात बताइए, एक और मजीद इजाफा करो, साइन की वैल्यू को बड़ा करते जाओ, मतलब न्यूमिनेटर आपका बड़ा होता जाए और डिनोमिनेटर आपका छोटा होता जाए, तो आपकी फ्रैक्शन बड़ी होती जाएगी। मतलब दो तरह के, दो तरफ से आप फ्रैक्शन को बड़ा कर रहे हो, न्यूमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हो, डिनोमिनेटर को कम करते जा रहे हो, देखना फ्रैक्शन कितनी बड़ी होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो 2 डिवाइड बाय 0.5, आंसर आएगा 4। अब आप न्यूमिनेटर को बढ़ाओ, डिनोमिनेटर को कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूमिनेटर को 4 कर देते हो, डिनोमिनेटर को 0.25 कर देते हो, आप कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 16। कितनी बड़ी होगी, पहले 4 आ रहा था फिर 16 आ रहा था, तो आप न्यूमिनेटर को बड़ा करते जा रहे हो, डिनोमिनेटर को छोटा करते जा रहे हो, फ्रैक्शन बड़ी होती जाएगी। यही चीज है। अब ऐसा होगा कब? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूनिट सर्किल है ना, यूनिट सर्किल के में कोई भी अगर आप पॉइंट पिक करते हो, उसकी एक्स और वाई वैल्यू होती है, एक्स वैल्यू होती है कॉस, वाई वैल्यू होती है साइन। तो अगर मैं पूछूं आपसे इस पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या है, ये पूरी इस पॉइंट की एक्स वैल्यू है, और अगर मैं आपको बोलूं इसकी वाई वैल्यू क्या है, ये पूरी वाई वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप देखो एक्स वैल्यू बड़ी है, वाई वैल्यू छोटी है, मतलब एक्स क्या होता है, साइन होता है ना, इसको इस तरह समझो, ये सॉरी एक्स कॉस होता है, ये पूरी कॉस की वैल्यू है, ये पूरी साइन की वैल्यू है। तो जितना पॉइंट आपका करीब आता जाएगा एक्स एक्सिस के, कॉस बड़ा होता जाएगा, साइन बहुत छोटा होता जाएगा। तो अगर सोचो कॉस बड़ा होता जा रहा है, साइन आपका छोटा होता जा रहा है, जो आपका आंसर होगा वो बेचारा छोटा होता जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है आपका और न्यूमिनेटर छोटा होता जा रहा है, तो उसका मतलब आंसर आपका और छोटा होता जाएगा। तो आपको यहाँ पे छोटी वैल्यूज मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। इसी तरह नेगेटिव भी आपको मिलेंगी, अगर कोई पॉइंट आप यहाँ पे पिक करोगे तो एक्स वैल्यू तो उसकी पॉजिटिव है, लेकिन वाई वैल्यू उसकी नेगेटिव होगी। इसका मतलब टेंजेंट के केस में आपको नेगेटिव आंसर भी मिलेंगे, -0.5, माइनस टाइप के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और जितना पॉइंट आपका वाई एक्सिस के करीब होता जाएगा, आपको आंसर बड़ा मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पॉइंट पिक करते हो, ठीक है, सर्किल बड़ा फालतू सा बना है, अगर कोई पॉइंट आप यहाँ पे पिक करते हो, इस पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या है, देखो एक्स वैल्यू कितनी छोटी सी है और वाई वैल्यू कितनी बड़ी है, वाई वैल्यू क्या होती है, साइन की। तो कहने का मतलब इस जितना आप एक्स एक्सिस के करीब जाते जाओगे, वाई बड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब आपको बड़ी बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि यूनिट सर्किल पे आप कोई भी पॉइंट पिक करते जाओ, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, आपको यहाँ पे बड़े से बड़े आंसर भी मिलते जाएंगे। जितना आप इसके करीब आते जाओ, आपको बड़े से बड़ा आंसर मिलेगा, 50, 60, 100 मिलता जाएगा बड़ा। इसी तरह जितना आप एक्स एक्सिस के करीब जाते जाओ, आपको छोटा सा आंसर मिलता जाएगा, इसी तरह आपको नेगेटिव आंसर भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई पॉइंट पिक करोगे तो आपको बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी, -100, -200, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स वैल्यू है वो नेगेटिव है ना, वाई एक्सिस किस तरफ है, तो एक्स नेगेटिव है, दैट्स व्हाई आपकी फ्रैक्शन में नेगेटिव आ रहा होगा और आंसर बड़ा होगा आपका, क्योंकि वाई वैल्यू बड़ी है ना आपकी। तो कहने का मतलब आपको बड़ी से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 100, 1000, 2000, वैल्यू भी आपको मिलेगी -2000, इसी तरह आपको छोटी वैल्यू भी मिलेगी। तो टेंजेंट के केस में आपको हर किस्म की वैल्यू मिलेगी, दैट्स व्हाई जो रेंज है वो सब रियल नंबर है। आपको कोई भी रियल नंबर यहाँ पे मिलेगा, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि वन से बड़ा नहीं मिलेगा या माइनस से छोटा नहीं मिलेगा, आपको हर किस्म की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इवन आपको यहाँ पे जीरो भी मिलेगा, जीरो कब मिलेगा, जब साइन जीरो है, जब न्यूमिनेटर आपका जीरो होता है तो पूरी फ्रैक्शन जीरो हो जाती है ना, तो वो एंगल जिस पे साइन जीरो है, आपको टेंजेंट की वैल्यू जीरो मिल रही होगी उन पे, इसी तरह वन वैल्यू भी मिल रही होगी, डिफरेंट आपको वैल्यू यहाँ पे मिल रही होगी। तो ये रेंज हो गए टेंजेंट की, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट। अब टेंजेंट का ग्राफ देख लो, डिटेल में तो बातें बताऊंगा, टेंजेंट का ग्राफ इस तरीके का बन रहा होगा, एक्स एक्स, एक सेकेंड, ठीक, इस तरीके, और टेंजेंट का रिपीट करता है इस तरह मिल रहा है। एक आपको ये मैं बताऊंगा क्या बनाया मैंने, डॉट डैश डैश का मतलब क्या है यहाँ पे, इसी तरह आपको यहाँ पे मिलेगा, इसी तरह ये ना मिलते रहते हैं, थोड़े थोड़े फासले के बाद आपको इस टाइप की लाइनें मिलती रहती हैं, बाद में आपको कुछ रीजन समझ आएगी ऐसा क्यों होता है, लेकिन थोड़े थोड़े फासले पे इसी तरह आपको मिलता जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी मिलेगा।
किस तरीके से होगा यहाँ पे? हाँ, ऑब्जर्व करोगे पैटर्न आपको मिलता जाएगा, जैसे था ना वेव चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, इसी तरह सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे ही होता है, ये रिपीट करते जाते हैं, सेम चीज आपको बार 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 मिल रही होती है, ये टेंजेंट का ग्राफ होता है। बाद में सीख लेंगे बनाना किस तरह। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ग्राफ में आपको एक डैश लाइन मिल रही है पूरी, उसकी वजह ये जो डैश लाइन जहां पे आपको मिल रही है ना, ये एंगल है पाई बाय टू। एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था, अब मैं बताने लगा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो जो टेंजेंट के अंदर, सैग के अंदर, कोसेक, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मिलते हैं आपको। ये सिर्फ साइन कॉस के अंदर नहीं होता, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर होता है। इसको हम कहते हैं एजेम्प्टोट। एजेम्प्टोट क्या होता है? एजेम्प्टोट बच्चों एक लाइन होती है, अगर आप देखो ये लाइन है जो डैश मैंने बनाई है ना, ये एजेम्प्टोट है। ये कैसी लाइन होती है? ये ऐसी लाइन होती है कि आपका कोई कर्व है ना, फॉर एग्जाम्पल ये सीधी लाइन है, आपके कर्व है, ये आपका कर्व जो है वो इस लाइन के पास अप्रोच करेगा करेगा करेगा, ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा कि एक कर्व और लाइन आपस में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो कर्व है ये इसके बहुत करीब आ जाएगा कि ऑलमोस्ट इनका डिस्टेंस 0 के बराबर होगा, लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसी लाइन जिसके पास कोई भी कर्व अप्रोच करे लेकिन वो कभी इंटरसेक्ट ना करे, लाइन को आप क्या बोलते हो? एजम्प्टोट बोलते हो। तो ऑब्जर्व करो मैंने इस कर्व को पास बनाया, टच नहीं करवाया। इवन आप, मैंने एक ऐप बताई थी डेस्मॉस के नाम से, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल पे आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करो, उस पर लिखो टेंजेंट एक्स, उसमें शायद ये लाइन आपको नजर ना आए, शायद ये चीज फालतू हो जाएगी, लेकिन मैं बना सकता हूँ लाइन ये। एक सेकंड, मैं एक्टिविटी करता हूँ आप लोगों के साथ। अभी मुझे बताना आप लोगों को नजर आ रहा है नहीं, एक सेकंड। हाँ ये बताओ सबको स्क्रीन नजर आ रही है ग्राफ वाली? ठीक यस सर। है, अब जरा देखना मैं टेंजेंट का ग्राफ बनाता हूँ। एक टेंजेंट एक्स, ये तो टेंजेंट का ग्राफ आ गया, इसमें एजम्प्टोट नजर नहीं आ रहे होंगे लेकिन मैं खुद एजम्प्टोट बनाता हूँ यहाँ पे। आपको शायद ये चीज समझ ना आए, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे मैंने कैसे एजम्प्टोट बनाया है। डिवाइडेड बाय, डिवाइड का यार, डिवाइड बाय टू नहीं सॉरी, एक्स आना चाहिए। ये जो ग्रीन लाइन है ये एजम्प्टोट है। कैसे मैंने बनाई है छोड़ देते हैं इसको, मैं इसका काम करता हूँ, मैं इस ग्राफ को ना जूम आउट करता हूँ। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपको लगेगा कि जो कर्व है ना ये ब्लू वाला, ये ग्रीन लाइन से मिल गया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। आप इसको जूम करो, वो खुद ही समझ आ जाएगी। देखो फासला है ना, आप इसको देखते जाओ, आपको फासला लाजमी नजर आएगा, कभी मिलेंगे नहीं आपस में। ये देखो देखते जाओ, ये फासला आपको कभी, हमेशा कुछ ना कुछ फासला होगा। कुछ देर के लिए आपको लगेगा जैसे इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि लाइन मिल गई है, लेकिन नहीं, ये धोखा है सिर्फ। आप इसको जूम करके देखो, नहीं मिले अभी भी। अभी भी देखो ब्लू और ग्रीन में फर्क है। आप ये खेलते रहो इससे, आप ऑब्जर्व करोगे ये लाइन कभी भी नहीं मिलेगी, इसी लाइन को आप क्या बोलते हो? एजम्प्टोट बोलते हो। ये चीज बताना चाहता था आप लोगों को, ठीक है? तो ये आपको कब मिलता है? ये आपको उस वक्त मिलता है जब आपकी जो फ्रैक्शन गिवन होती है ना, उसका डिनोमिनेटर जब आपका 0 के बहुत करीब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 90 डिग्री पे आपको आंसर कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई आप देखो ये आपका कर्व जो है ये 90 डिग्री पे कभी नहीं मिलेगा, ये 90 है ना, तो ये 90 पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 पे अनडिफाइन होता है ना ये। लेकिन 0 के करीब हो क्या रहा है, जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपका डिनोमिनेटर अगर छोटा होता जाएगा, आपकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, वैल्यू बड़ी होती जा रही है। तो अगर आप इस पॉइंट पे आओ कि जब कॉस 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो जैसे आप 90 डिग्री के पास, ये 90 डिग्री है, जैसे आप 90 डिग्री के पास आ रहे हो, ऑब्जर्व देखो फंक्शन कितना बड़ा होता जा रहा है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती जा रही है। तो वही वजह है कि जब आपका डिनोमिनेटर 0 के पास ज्यादा जा रहा है, आपका आंसर बड़ा होता जा रहा है। 0 पे क्या होगा? अनडिफाइंड। दैट्स व्हाई ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट कर जाती है इसका मतलब वैल्यू मिल जाती है आपको, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। तो 0 पे आप बोलोगे अनडिफाइंड, लेकिन जैसे ही आप 0 के करीब जाते जा रहे हो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो आंसर आपको बड़ा मिलता जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, बाद में काम आएगा। 0 के करीब जा, सॉरी 90 डिग्री के पास जब जैसे ही आप जा रहे हो टेंजेंट के केस में, आपको आंसर जो है वो बड़ा मिलता जा रहा है। अगर आप कैलकुलेटर में टेंजेंट 90 पुट करोगे, कैलकुलेटर एरर दे देगा, जरा करके देख लेना। 90 आप पुट नहीं कर सकते, वही कॉस 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 90 के पास हो क्या रहा है, 90 के पास टेंजेंट की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। बस इस बात को जहन में रखना, कभी ना कभी दोबारा काम आएगी चैप्टर नंबर 12 के अंदर। और दूसरा, ग्राफ से भी आपने देख लिया कोई बाउंड नहीं है इसके अंदर, आपको बड़े से बड़ा आंसर मिलता जाएगा, छोटे से छोटा आंसर नेगेटिव में आपको मिलता जाएगा, कोई साइन कॉस की तरह 1 माइनस 1 के दरमियान नहीं, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही। ठीक
ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई मसला तो पूछ लो। नहीं है, देखो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मैं उनके ग्राफ आप लोगों को फिलहाल नहीं सिखा रहा, उनके ग्राफ थोड़े मुश्किल होते हैं, एक तो बनाने में टाइम लगेगा। मैं उनको आपके डोमेन नेम्स बता रहा हूँ क्योंकि बुक में टेबल डिस्कस हुआ है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन नेम्स अगर आपने इनकी निकाल ली है ना, तो बाकी को निकालना मसला नहीं है, बस बेसिक सी बात अगर आपने इनकी सीख ली है तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा डायग्राम मिटाऊं, बाकी डोमेन नेम ना मिटाऊं मैं, ताकि एक ही बोर्ड पे आपको हर चीज मिल जाए। हम यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा सैक फंक्शन, उसकी वजह आप लोगों को भी समझ आएगी, क्योंकि जो चीज आपने यहाँ पे पढ़ी है सैक के अंदर भी आप लोग पढ़ो। तो हम डिस्कस करते हैं कौन सा फंक्शन, सेक थीटा, जिसको आप कहते हो सीकेंट फंक्शन। सीकेंट फंक्शन, अब इसकी डोमेन रेंज क्या होती है, वाई इज इक्वल टू सेक थीटा की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ। सेक थीटा क्या होता है, कोई बच्चा मुझे उसका फॉर्मूला बता सकता है? अच्छा एक्सेलेंट भाई, सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है। अगेन वही मसला आप देखोगे, साइन कॉस में मसला क्यों नहीं था, कॉन्सेप्ट है, वजह होती है, रट्टा नहीं मारना कि साइन कॉस में नहीं होता बाकी में होता है। वजह क्या है कि साइन कॉस में फ्रैक्शन नहीं होती थी, बाकी सब में फ्रैक्शन आ जाएगी। सैक दिखने में कितना मासूम लग रहा था, लेकिन सैक होता क्या है, सैक को हमने डिफाइन क्या किया था, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, फ्रैक्शन आ गई। जैसी फ्रैक्शन आई मसला वही, डिनोमिनेटर जीरो नहीं कर सकते, दोबारा डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, इसका मतलब जो रिस्ट्रिक्शन यहां आपने पढ़ी थी ना, सेम रिस्ट्रिक्शन यहां पे होगी। तो आपको कोई नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम जो आपने टेंजेंट के केस में पढ़ा था, क्योंकि टेंजेंट का डिनोमिनेटर भी कॉस है, डिनोमिनेटर भी कॉस है, तो सेम वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेयर एन बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, लिख लेना, ये सेम डोमेन है जो आपने टेंजेंट के अंदर पढ़ी। रेंज में फर्क होगा, जरा रेंज में देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों ये उल्टा है कॉस का, जो रेसिप्रोकल है ना, उल्टी रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया ना आपने कॉस को, तो कॉस के अंदर आप पढ़ते थे कि आपको वैल्यू वन और माइनस वन के अंदर मिलती थी, कॉस के अंदर वन और माइनस वन के अंदर मिलती थी वैल्यू। अगर आप इस बात को उल्टा कर दो तो उल्टा क्या होगा, ये जैसे कॉस के अंदर आपको वन से बड़ी नहीं मिलती थी, माइनस वन से छोटी नहीं मिलती थी, अगर आप इस बात को उल्टा करोगे इसका मतलब क्या बनेगा, कि आपको आंसर वन से बड़ा मिलेगा, माइनस वन से छोटा मिलेगा। बड़ा बताओ, कॉस के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि आपको वन और माइनस वन के अंदर मिलेगी वैल्यू, सेक के अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, आपको वन और माइनस वन के अंदर वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको वन से ग्रेटर मिलेगी, माइनस वन से छोटी मिलेगी, उल्टा कर देना है बस आपसे। तो कॉस के अंदर वन और माइनस वन के दरमियान था, सेक के अंदर क्या होगा, वन से ग्रेटर, माइनस वन से कम, वन और माइनस वन के दरमियान आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। उसकी वजह है, ये नहीं कि रट्टा मारने की जरूरत, उसकी वजह है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखो ना, वन अपॉन कॉस थीटा, आपको कोई फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से सिंपल एक सवाल करता हूं, इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर वन से कम कब होगा, इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर को बता सकते हैं, आओ सोचो इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर वन से कम कब होगा, कोई आइडिया? अगर आप कॉस को वन से ग्रेटर कर दो, भाई देखो अगर कॉस वन के बराबर होगा तो वन अपॉन वन क्या होता है, वन होगा। अगर कॉस की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1.5 है, मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर वन से ग्रेटर होगा तभी आंसर आपको छोटा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो, 1 अपॉन 1.5, देखना आंसर 0 पॉइंट समथिंग मिल रहा होगा। जो आपका न्यूमरेटर है ना, अगर उससे बड़ा आपका डिनोमिनेटर होगा तो आंसर आपको पॉइंट में मिल रहा होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कॉस 1.5 हो सकता है, कॉस 1.5 हो सकता है, इसका मतलब अगर कॉस 1.5 नहीं हो सकता, कॉस मैक्सिमम क्या हो सकता है, कॉस मैक्सिमम 1 होगा, तो दैट्स वाई सेक के केस में आपको 1 तो आंसर मिलेगा, लेकिन 1 से छोटा नहीं मिलेगा आपको। वन से छोटा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कॉस आपका वन से ग्रेटर हो नहीं सकता, ये पूरी फ्रैक्शन आपको वन से छोटी उस वक्त होती जब कॉस का आंसर वन से ग्रेटर होता, तभी ये पूरी फ्रैक्शन 0.0 में कुछ आंसर दे रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉस या तो वन होगा या वन से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस की वैल्यू है 0.8, अब जब वन को आप डिवाइड करोगे 0.8 से, तो आंसर आपका हमेशा वन से ग्रेटर आएगा। तो ये वो रीजन है कि कभी भी सेक का आंसर आपको वन से छोटा नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है और कॉस की वैल्यू वन से ग्रेटर नहीं होगी,
अगर ये वैल्यू वन से ग्रेटर नहीं हो रही तो ये पूरी फ्रैक्शन आपकी वन से छोटी नहीं हो सकती, ये इसकी रीजन है। अगर आपको नहीं समझ आई, अब अगेन ये बातें जो है ये थोड़ी लेवल की हैं, अगर सीख ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखी रिकॉर्डिंग में जरा मेरी बात को गौर से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझ आ जाएगी। तो रीजन भी बता दी, दैट्स वाई सैक के अंदर आपको क्या होती है रेंज इसकी, और जो वाई वैल्यू है ना आपको, ये वाई वैल्यू या तो आपको मिलेगी वन वन मिल सकती है, ठीक है, या वन से ग्रेटर मिलेगी इसी तरीके से, या आपको माइनस वन मिलेगी या माइनस वन से छोटी मिलेगी। ये उल्टी बात है जो आपने कॉस में पढ़ी थी, कॉस में पढ़ी थी कि वन और माइनस वन के दरमियान होगी, लेकिन यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, या तो वन से ग्रेटर होगी या आपकी वैल्यू माइनस वन से कम होगी। वन भी हो सकती है, माइनस वन भी हो सकती है, लेकिन वन से हमेशा ग्रेटर, माइनस वन से हमेशा छोटी, ये इसकी रेंज। सही है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कोसेकेंट फंक्शन। y इज इक्वल टू कोसेक थीटा, जिसको आप क्या कहते हो, कोसेकेंट फंक्शन। अब इसकी बात करें भाई, कोसेक सब बता सकते हैं, यहाँ पे वन अपॉन साइन थीटा होता है, फ्रैक्शन आ गई है, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन होगी यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, आपको ये मालूम करना है कि साइन जीरो कहाँ पे होता है, तो क्वेश्चन बता सकता है कि साइन फंक्शन जीरो कहाँ पे होता है। 183 एक्सीलेंट, मतलब ये जो कहना चाह रही है, कहना चाह रही है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, बिल्कुल सही जवाब है। आपको मैंने बताया था यूनिट सर्किल का कॉन्सेप्ट याद हो तो साइन थीटा क्या होता था, वाई वैल्यू, वाई वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पे जीरो होती है, तो अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो कब होगा, जब भी आपका एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन सा एंगल होता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री इधर ही होगा ना, फिर 180 डिग्री यहाँ पे होता है, 180 डिग्री भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसी तरीके से पूरा अगर आप घूम के आओ 360 डिग्री, 360 डिग्री भी एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो अब ऑब्जर्व करो, आप 180 डिग्री ऐड कर रहे हो, मतलब जीरो फिर 180 ऐड करो, 360 फिर 180 ऐड करो, 540, तो कहने का मतलब जो भी आपके एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है उन पे हमेशा आपका साइन जीरो होता है। तो अगर आपने इन सब एंगल्स को एक जनरल फॉर्म में लिखना, जैसे इस फॉर्म में लिखा, तो हम कैसे लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे एन पाई, ये एन पाई, वेर एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, जेड से आप इंटीजर को लिखते हो, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5। अब जरा गौर से सुनो, जब मैं एन की जगह यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। जब मैं एन की जगह वन पुट करूंगा तो ये पाई हो जाएगा, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री मतलब पाई, वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। अगर मैं एन की जगह यहाँ पे टू पुट करूंगा तो 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री एक्स एक्सिस के ऊपर है। मैं अगर एन की जगह 3 पुट करूंगा तो 3 पाई क्या होता है, 540 डिग्री, वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो कहने का मतलब जितने भी एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, उनको आप इस सिंपल फॉर्मूले से लिख सकते हैं, एन पाई, दैट्स इट। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी, अगेन वही बात, डोमेन सब रियल नंबर होगी सिवाय उन वैल्यूज के जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रही है, और कौन सी वैल्यू डिनोमिनेटर को जीरो कर रही है, एन पाई। तो आप क्या करो, एन पाई को निकाल दो, वेयर एन बिलोंग्स टू, यहाँ पे इंटीजर, बाकी जितनी वैल्यू बचेंगी वो आप यहाँ पे पुट कर सकते, ये इसकी डोमेन है, ठीक है। और रेंज का कॉन्सेप्ट बच्चों एग्जैक्ट वही है जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है, क्यों, उसकी वजह है, इसके डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा था, इसके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा था, कॉस और साइन दोनों की सेम रेंज होती है, इसका भी वही मसला है, वन और माइनस वन के दरमियान आंसर आएगा, इसका भी वही मसला है, वन और माइनस वन के दरमियान आएगा, तो दैट्स वाई इस वाले फंक्शन की और इस वाले फंक्शन की सेम रेंज है, क्योंकि दोनों में कॉस और साइन आ रहा है, कॉस साइन की रेंज सेम है, तो दैट्स वाई सेक और कोसेक की रेंज जो है वो भी सेम होगी। तो जो आपने ऊपर पढ़ा था ना कि आपको वन से ग्रेटर मिलेगा या माइनस वन से छोटा मिलेगा, तो वही चीज यहाँ पे, ये आपका सैक और सैक होगी, जो टेबल बुक वालों ने 338 पेज में डिफाइन किया हुआ है, मैंने 5 चीजें आपको बता दी है समझा के, रटे नहीं समझा के बताइए। अब आखिरी चीज रह गई है, फिर चलो टाइम है, 15-20 मिनट रह गए हमारे, फिर मैं एक हल्की सी एक्टिविटी करवाऊंगा और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब वो आखिरी फंक्शन है कॉट, आसानी से समझ जाओगे क्योंकि कॉट और कोसेक में थोड़ी सिमिलैरिटीज है। वाई इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट को क्या कहते हैं आप, कोटेंजेंट फंक्शन, फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, पूरी जिंदगी शॉर्ट फॉर्म याद रखे, फुल फॉर्म बच्चे भूल ही जाते हैं कि कॉट होता क्या है, को टेंजेंट कहते हैं आप इसको। कॉट क्या होता है, सब बच्चे बोलेंगे सर कॉस अपॉन साइन, मसला देख लो वही है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो जो डोमेन में रिस्ट्रिक्शन आपने यहाँ पे पढ़ी थी ना, सेम यहाँ पे भी पढ़ोगे, क्योंकि
आपकी कोशिश क्या होगी यहाँ पे भी कि साइन जीरो ना हो किसी तरह। और साइन जीरो कहाँ पे होता है, अभी आपने पढ़ा था एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल को किस तरह लिखते हो, एन पाई। तो जो आपने वहां पे पढ़ा था एग्जैक्ट डोमेन आपने यहाँ पे कॉपी कर देनी है, रियल नंबर माइनस एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, डोमेन तो वही है। अब रेंज क्या होगी इसकी, भाई जो टेंजेंट की रेंज थी ना वही इसकी रेंज होगी, क्योंकि टेंजेंट में भी था ना साइन अपॉन कॉस, इसमें भी है कॉस अपॉन साइन। अगेन वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि आपको यहाँ पे बड़ी से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। बड़ी वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब कॉस आपका बड़ा होगा साइन आपका छोटा होगा। तो मैंने ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाए थे एक्स एक्सिस के करीब जिनकी कॉस वैल्यू बहुत बड़ी थी, साइन वैल्यू बहुत छोटी थी, तो आपको आंसर इसका बहुत बड़ा मिलेगा। इसी तरह आपको आंसर इसका छोटा भी मिलेगा, कब, जब साइन बड़ा होगा और कॉस छोटा होगा। इसी तरीके से आपको नेगेटिव भी मिलेगा, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे या फॉर एग्जांपल आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो तब आपको नेगेटिव भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब आपको हर किस्म का मिलेगा, जैसे टेंजेंट में मिलती थी आपको रेंज, इसमें भी हर किस्म की आपको वैल्यू मिलेगी। तो दैट्स वाई इसकी जो रेंज है, जो टेंजेंट में आपने पढ़ी थी, इसकी रेंज भी सब रियल नंबर है। हर किस्म की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। वन मिलेगा, जीरो मिलेगा, इसी तरह बड़े से बड़ी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू, हर किस्म की वैल्यू। तो ये जो मैंने आप लोगों को पूरी बातें अभी समझाई 1 घंटे के अंदर, ये है पेज नंबर 338, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपने टेबल ना समझा हो तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक समझ नहीं आएंगे, और अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक समझ नहीं आया तो कहने का मतलब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ ही नहीं आया, आपने बस रट्टा मारा है, समझ नहीं आया आपको। तो मैंने, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप पेज 338 पे एंड पे आओ तो ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, अगर आप रेंज के कॉलम में देखो ना, उन्होंने लिखा हुआ है जैसे पहले साइन में लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू और लेस देन 1, ये चीज लिखी है उन्होंने। मैंने इसको किस तरह लिखाया था, मैंने इसको इस तरीके से लिखाया था और ये वाली नोटेशन यूज की थी। तो कोई मसला नहीं है, आप वाई की जगह यहाँ पे साइन थीटा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वाई साइन थीटा के बराबर है ना। तो बुक वालों ने वाई की जगह साइन थीटा लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि साइन थीटा -1 से ग्रेटर है, 1 से छोटा है, कोई मसला नहीं है। डिफरेंट तरीके से एक ही बात लिखी जा सकती है, ये चीज आपको नजर आ रही है। तो रेंज में देखो वही बातें मैंने आपको सारी बताई है, वही आपको नजर आ रही है। रेंज में आपको दो आर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी रेंज भी रियल है, इसकी रेंज भी रियल है। शुरू में अगर आप देखो 1 और -1 तो वो साइन कॉस है, और अगर आप फोर्थ और फिफ्थ कॉलम देखो तो वही चीज लिखी हुई है। फोर्थ कॉलम में, सॉरी फोर्थ रॉ में, मतलब रेंज के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 लेस देन -1। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी कि ग्रेटर देन 1 लेस देन -1, उनको उन्होंने थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बोला है। वाई मतलब मैं कहना चाहता था वाई 1 से ग्रेटर, मतलब सारी रियल वैल्यूज जो 1 से ग्रेटर हो, सारी रियल वैल्यूज जो -1 से ग्रेटर हो। तो बुक वालों ने इस तरीके से लिखा है। आप चाहो तो इसके जुमला एक इजाफा कर सकते हो, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वाई यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। इसी एमसीक्यूज में पूछेंगे, पेपर में इसका ऐसा कोई लेने देना नहीं होगा, एमसीक्यूज में आएंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही है कि 1 से ग्रेटर -1 से छोटा, तो आप देख लोगे। इसी तरीके से अगर आप डोमेन में आओ तो साइन कॉस के डोमेन मैंने आपको बताया था रियल है, कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। इशू होता है बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व होती है। तो आप देख लो टेंजेंट एंड सेक की सेम डोमेन है, कोई फर्क नहीं है, वही एन पाई बाय टू वेर एन इज एन ऑड इंटीजर। जबकि आप कोसेक और कॉट को देखो तो इनकी डोमेन में, अच्छा इन्होंने एन पाई बाय टू लिखा हुआ है, खैर इन्होंने, मैं बता देता हूँ क्योंकि बुक में चीज आ गई है तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ, ये जो एन पाई है ना, तो एन पाई ने लिखा, इन्होंने लिखा एन पाई बाय टू इधर भी, लेकिन आगे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एन है यहाँ पे इवन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप 1 मिनट के अंदर समझ जाओगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सी वैल्यूज एन पाई में आएंगी, कौन कौन सी वैल्यूज, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540, ये वो सब एंगल तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर थे। मैं फिलहाल पॉजिटिव डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आपने एन पुट किया था, अगर आप रेडियन के अंदर बात करो तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये रेडियन के अंदर आ रहे होंगे सारे, ठीक है। तो ये एन पाई आपको ये सब एंगल दे रहा था जो आपने देखे थे एक्स एक्सिस के ऊपर। सेम ये वाला फॉर्मूला भी आपको यही एंगल देगा अगर आप एन यहाँ पे इवन पुट करोगे। यहाँ पे एन आपने सब नहीं पुट करना, इवन पुट करना है। यहाँ पे तो आप एन कुछ भी पुट कर रहे थे ना, 1 2 3 सब पुट कर रहे थे, यहाँ पे आप इवन पुट करो तो सबसे पहला इवन नंबर क्या है, 0। जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे उसके बाद इवन नंबर क्या होता है, 2। जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपके पास पाई आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 4 पुट करोगे, 4 अपॉन 2 के बराबर 2 पाई आ रहा होगा।
जब आप यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 3 पाई आ रहा होगा। तो कहने का मतलब आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, और ये वाला भी यूज कर सकते हो। अगर आप ये वाला यूज करोगे तो आप बोलोगे एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आप बोलोगे एन बिलोंग्स टू इवन नंबर। ठीक है, तो एट द एंड आपने इस रिजल्ट पे आना है, जिस तरीके से भी आओ आना इसके ऊपर है। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुक वालों ने ये वाला लिखा है, कोई सुनिए आप ये वाला याद रख लो, ये चलो एक्स्ट्रा समझ लो, इसका भी वही मतलब है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इवन एंड ऑड फंक्शन हम करेंगे। 10 मिनट है, जो बुक में एक दो एग्जाम्पल लिखी हुई थी ना थोड़ी बहुत, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उनमें थोड़ा बहुत फर्क क्या पड़ेगा। आपने अभी सिंपल डोमेन रेंज निकालना सीखिए, साइन की, कॉस की, टेंजेंट। बिल्कुल आपके पास आ जाए 2 sin x, मतलब साइन से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो अब डोमेन रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। आप एक काम करो बच्चों, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 6 के 6 फंक्शन मैंने समझाया है इसके अंदर। अच्छा, तो सिंपल फंक्शन के तो आपने देख ले, साइन कॉस टेंजेंट इन सब के आपने देख लिए। अब जरा देखते हैं, अगर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम में लिख दिया जाए, मैं अपनी तरफ से भी एक दो एग्जाम्पल बनाता हूँ, साइन 5x आ जाए, या इसके बाद 2 sin 5x आ जाए, मतलब अगर एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या पूरे फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अब डोमेन में इस पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से कॉस की एग्जाम्पल लेते हैं कोई, हाँ फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए cos 7x। अच्छा जी, टेंजेंट के अंदर कुछ ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए tangent 4x, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 5 tangent 4x, तो अब क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, भाई डोमेन को फर्क कब पड़ता है। डोमेन को फर्क उस वक्त पड़ेगा जब आप पूरे फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही पूरा फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, अब डोमेन में फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल साइन, यहाँ पे एंगल में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे साइन 5x है ना, इसके डोमेन में कोई फर्क नहीं है, डोमेन वैसी की वैसी है। सॉरी, मैं असल में रेंज की बात कर रहा था यहाँ पे। डोमेन में तो दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी डोमेन रियल नंबर है, इसमें भी डोमेन रियल नंबर है। साइन कॉस आपको पता है, इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन सब फंक्शन में अगेन एक्स की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। साइन कॉस में असल में रेंज में आप देखते हो, तो मेन तो आपको पता सब रियल होती है साइन कॉस में, तो रेंज की जरा बात करते हैं। जो रेंज का ताल्लुक है ना बच्चों, अगर आप इस फंक्शन को देखो, लिखा हुआ है साइन 5x, रेंज का ताल्लुक क्या होता है, पूरे फंक्शन की आपकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखोगे ना, तो अगेन आपको मैक्सिमम 1 मिलेगी, मिनिमम आपको -1 मिलेगी। रेंज को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने एक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, रेंज कैसे कोई ताल्लुक नहीं है। रेंज का ताल्लुक किससे है कि आपने पूरे फंक्शन को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल साइन फंक्शन है ना, यहाँ पे कुछ भी एक्स पुट करते जाओगे, इस पूरी चीज का आंसर 1 और -1 के दरमियान आएगा। लेकिन अगर आप इस पूरे फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अब फर्क पड़ जाएगा। क्यों? कंसिडर करो, इस पूरी चीज का आंसर 1 आ रहा है, वो 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अब आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे कैलकुलेटर में अगर आप कैलकुलेट करोगे sin 30 डिग्री, या हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल sin 90 डिग्री, तो कैलकुलेटर आपको आंसर 1 दे रहा है, लेकिन अगर इसके साथ 2 लिखा हुआ हो, अब sin 90 का आंसर तो 1 मिल रहा है, लेकिन 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब 2 मिल रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन के आंसर में आपको 1 से ग्रेटर मिल गया, ना ना ना, आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, उसने रेंज को चेंज कर दिया। तो दैट्स व्हाई पूरा फंक्शन अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो रेंज पे फर्क पड़ेगा, और रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे नॉर्मल साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 से लेके 1, साइन कॉस की ये रेंज होती है, जिस भी नंबर से आपका फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है आप रेंज को भी उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपका फंक्शन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप रेंज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -2 से लेके 2। तो इस फंक्शन में आपको मैक्सिमम आंसर 2 मिलेगा, मिनिमम आपका आंसर -2 मिलेगा। ठीक है, तो रेंज का ताल्लुक है आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे रेंज आपको -1 से 1 मिलेगी। इसी तरीके से इस वाले केस में भी देखो, कॉस आपका किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा,
उसका मतलब यहाँ पे भी आपको रेंज मिलेगी -1 से लेके 1। फर्क किसमें पड़ेगा? इसमें, क्योंकि आपका फंक्शन पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी? -2 से लेके, बिलफर्ज अगर ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो अब रेंज क्या हो जाती? -7 से लेके 7। ठीक है, तो साइन कॉस में डोमेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आप उसके एंगल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डोमेन को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा रेंज को उस वक्त जब आप पूरे फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वरना रेंज को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो मैंने साइन कॉस की बात कर ली। टेंजेंट की मैं बात करता हूँ, सेक कॉस, सेक कोसेक कॉट, इसकी मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ा खुद सोच लेना समझ आ जाएगा। पेपर में भी ऐसे जिनका सवाल आएगा नहीं, तो जरा खुद सोच लेना कि इनमें फर्क कहाँ कहाँ पे पड़ रहा होगा। मैं टेंजेंट का आपको बता दूं ताकि इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर आप टेंजेंट की बात करो, अगेन इस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि टेंजेंट के अंदर रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेंज क्या होती है? रियल नंबर होती है। जैसे यहाँ पे रेंज रियल नंबर थी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी तरह टेंजेंट, कॉट, इनके अंदर रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी रेंज रियल नंबर होती है। आप एक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या आप इस पूरे फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इनकी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी रेंज हमेशा रियल ही रहती है। ठीक है, टेंजेंट के अंदर भी ऐसा होता है, कॉट के अंदर भी ऐसा होता है। फर्क इनकी डोमेन में होता है, क्योंकि डोमेन में रिस्ट्रिक्शन होती है ना। तो जरा डोमेन में हम देखते हैं, जैसे इनकी रेंज में रिस्ट्रिक्शन थी, डोमेन में नहीं थी। तो इनकी था 1 से लेके -1 जो भी होगा। इसी तरह इसकी रेंज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन में। तो जरा डोमेन पे फोकस करते हैं, और डोमेन आप किस तरीके से निकालोगे? सिंपल, आपने यहाँ पे क्या करना है कि जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, जैसे टेंजेंट एक्स था, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो एंगल है टेंजेंट के केस के अंदर, मैंने क्या बोला था कि वो जो एंगल एक्स है ना, वो एन पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। यही बात बोली थी ना, कि जो आप एक्स की जगह, अगर आप इसको थीटा मान लो, फॉर एग्जाम्पल आप थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो आप ये मैंने वहां पे आप लोगों को सिखाया था कि यहाँ पे जो भी थीटा है वो एन पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन पाई बाय 2 पे कॉस 0 हो जाता है। ये आपको बात बोली। तो बिलफर्ज अगर आपके पास आ जाए टेंजेंट 4 थीटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है टेंजेंट 4 थीटा, तो अगेन वही चीज, पहले यहाँ पे थीटा था तो मैंने आपको बोला था कि थीटा एन पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 थीटा है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि 4 थीटा एन पाई बाय 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पे एंगल होता है ना, आपने देखना होता है कि वो एन पाई बाय 2 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एंगल 4 थीटा है, उसका मतलब 4 थीटा एन पाई बाय 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आप डिवाइड कर दो 4 को वहां जाके, ये हो जाएगा एन पाई बाय 2। क्योंकि यहाँ पे आपने जो डोमेन लिखनी होती है ना, वो जस्ट एक्स की लिखनी होती है, या अगर थीटा आ रहा है इसकी लिखनी होती है। तो डोमेन में अब क्या होगा, अब थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, एन पाई बाय 2। इसका मतलब यहाँ पे आप एक्स की जगह पे एन पाई बाय 8 नहीं पुट कर सकते। अब इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर माइनस एन पाई बाय 8, और वही एन बिलोंग्स टू यहाँ पे ऑन। ठीक है, क्योंकि डोमेन में आप देखते हो, डोमेन का मतलब होता है थीटा, जस्ट थीटा की बात आप करते हो। तो यहाँ पे जो भी चीज थी 4x या 4 थीटा जो भी है, आप उसको बराबर रखो एन पाई बाय 2 के, क्योंकि एन पाई बाय 2 नहीं हो सकता वो। उसके बाद यहां से थीटा या एक्स जो भी आप लिख रहे हो उसकी वैल्यू निकालो, जो भी वैल्यू आई है उसको आप डोमेन मतलब रियल नंबर में से निकाल दो। सेम अगर इसमें आओ, 5 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंजेंट एंड कॉट में हमें 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप साइन कॉस टेंजेंट याद रख लो, यही आएगा एग्जाम में, बाकी सब याद ना रखो वरना हेक्टिक हो जाएगा बहुत। कि टेंजेंट के अंदर बाहर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, असल टेंजेंट को फर्क पड़ता है कि उसके एंगल को किससे मल्टीप्लाई किया गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास 6x आ गए, तो आपको बता सकते हैं इसकी डोमेन निकालने के लिए पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम ये लिखेंगे कि 6x जो है वो क्या नहीं हो सकता, एन पाई बाय 2 नहीं हो सकता। टेंजेंट के केस में इस बात को याद रखो कि जो भी टेंजेंट के बाद लिखा हुआ है वो पूरी चीज एन पाई बाय 2 नहीं हो सकती। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि 4x जो है वो एन पाई बाय 2 नहीं हो सकता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जो थीटा है वो एन पाई बाय 2 नहीं हो सकता, सेम उसी तरीके से जो 6x है वो यहाँ पे एन पाई बाय 2 नहीं हो सकता। आपको चाहिए x की वैल्यू, 6 को जाके डिवाइड कर दो एन पाई बाय 12। इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो क्या नहीं हो सकता, एन पाई बाय 12 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एन पाई बाय 12 को यहाँ से रिमूव कर दोगे, क्योंकि आपने बात करनी होती जस्ट एक्स के हिसाब से, मतलब एक्स के हिसाब से आपने बात करनी है। ठीक है,
लेकिन आप 6x को पूरे को रखोगे n पाई बाय 2 और उसमें से x की वैल्यू निकालोगे, जो वैल्यू आएगी उसको आप रियल नंबर में से निकाल लो। तो अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाए तो आप इस तरीके से करोगे, ये बुक की एग्जाम्पल है, पेपर में आ सकती है, या छोटी बहुत एमसीक्यूज में पूछना है कि टेंजेंट 6x की डोमेन क्या है, सिंपल सा सवाल आपके पास एमसीक्यूज में एक नंबर का आ जाए। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, याद होगा कि 6x को हम रखेंगे एन पाई बाय 2 के, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो आसानी से मालूम कर लेंगे। ठीक है, हमारा शुरू का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मुझे पता है कि आप लोगों को मसला होगा कुछ टॉपिक्स में, कुछ चीज शायद समझ ना आ रही हो, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। रिकॉर्डिंग मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह रात में अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों के पास मौजूद हो। सॉल्व करना, समझना कॉन्सेप्ट है पूरा, मैंने बताया था चैप्टर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये 12 का नाम है, कम से कम दो चैप्टर को ज्वाइन किया है उन्होंने, वरना तीन चैप्टर को ज्वाइन किया है पंजाब बोर्ड में, देखना ये तीन चैप्टर है जिसको 12 बनाया है उन्होंने। तो दैट्स वाई इसको एक चैप्टर मत समझना, थोड़ा अच्छा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मुश्किल भी है। रिकॉर्डिंग देखना सही तरीके से, अगर मसला हो पूछ लेना। तो क्लास हमने वैसे भी तकरीबन 1 घंटे की ली है, मैं बहुत ज्यादा क्लास नहीं ले रहा ताकि आप लोगों के जहन में ना आए, अगर इसको रिवाइज करना कोई मसला हो तो पूछ लेना। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? यस सर। सर ये जो 7 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन फंक्शन के साथ, अगर ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाए तो? यार बहुत जबरदस्त सवाल पूछा तुमने, तो ये डिवाइड हो जाएगी डोमेन। मैंने बोला था जो नंबर आ रहा है ना यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना है अपने रेंज से, तो बहुत अच्छा सवाल है कि बिलफर्ज अगर यहाँ पे 1/7 आ जाए, आप इसको थोड़ी रियल सिचुएशन से समझो ना, कि बिलफर्ज आपके पास एक फंक्शन हो 1/sin θ, और थीटा आपको वैसे अगर साइन के में अंदर अगर आप 90 डिग्री पुट करोगे तो sin 90 क्या होता है, 1 के बराबर, लेकिन ये पूरा फंक्शन बेचारा 1/7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बेशक 1 होगा लेकिन 1 को आप डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा, 1/7। तो कहने का मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो 1 हुआ करती थी वो आप 1/7 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। तो सेम वही काम करना है जैसे पहले आप मल्टीप्लाई करते थे, अब आप डिवाइड कर दोगे। नॉर्मल रेंज होती है -1 से लेके 1, अब इसकी रेंज हो जाएगी -1/7 से लेके 1/7। ठीक है, और मैं मजीद इसमें इजाफा करता हूँ, अगर कोई नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप 2 को ट्रीट करते थे ना कि यहाँ पे 2 आ जाए, वैसे आप -2 को भी ट्रीट करोगे, अभी भी इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, यहाँ पे -2 से लेकर 2 होगी। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो नेगेटिव को इग्नोर कर देना, साइन कॉस के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है नेगेटिव का, उसका ताल्लुक फंक्शन से रिलेटेड होगा, कि फंक्शन उल्टा हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन रेंज से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, तो माइनस को इग्नोर कर दो। अगर 2 आता है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना, वही कर दो। तो समझ आई बात? यस सर।